हेलो गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि OSSCJEE मतलब ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2023 जूनियर इंजीनियर, उसी की बात करने वाले हैं। उसके रिज़ल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उसका रिज़ल्ट जो आउट हो चुका है, उसी कट ऑफ भी ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो सब कुछ है इस वीडियो में ही, आपको बस देखते रहना है। पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ, क्योंकि 1008 वैकेंसी थी यहाँ पे। आप लोगों का एग्ज़ाम जो था 4 जून 2023 को था, ठीक है। रिज़ल्ट आउट हुआ, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हल हुआ। लेकिन आज जो सिविल के रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सिविल ब्रांच के लिए था। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, 1008 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करते हैं तो पहले कट ऑफ को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद नहीं आ रही कट ऑफ, ऑफिशियली कट ऑफ है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ नहीं जानेंगे आप। इसलिए देख सकते हैं ऑफिशियली सिलेक्टेड क्या सेलेक्ट हुए हैं OSSCJEE में, मतलब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे की कट ऑफ है। ये बहुत कम कट ऑफ गई, टोटल मार्क्स 150 नंबर का था, उसमें इतनी इतनी कट ऑफ गई, बहुत कम कट ऑफ गई। देख सकते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सबकी अलग अलग है। PWD, PWDW, ठीक है, तो सबकी अलग अलग है। बहुत ही कम गई कट ऑफ, मतलब कि मैं हकीकत बताऊँ बहुत कम कट ऑफ गई है। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना कम मार्क्स का हो जा रहा है सिलेक्शन। थोड़ी मेहनत करिए, हो जाएगा। अच्छे मेरिट लिस्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट कहाँ है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उससे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके चेक करके देख लेते हैं, उसमें देखेंगे। तो हम डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। PDF को बस ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करते हैं, जैसे ही PDF ओपन कर लें, ओपन करने वाले ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसमें सब कुछ जो WPC नंबर, अपना अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वो आर सेलेक्टेड फॉर वेजनरी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ OSSCJEE। तो जितने भी हैं, बहुत लंबी PDF है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ज़्यादा बधाई आप लोगों को सेलेक्ट होने के लिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे उड़ीसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लोग SSCJEE का भी एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है, क्योंकि आपको आप लोगों का स्टेट का एग्जामिनेशन है, बट रियल एग्जामिनेशन, रियल युद्ध, कैसे कि स्टेट PCS का एग्जामिनेशन होता है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जहाँ पे UPSC की वैल्यू है, वहाँ पे स्टेट PCS बहुत छोटा है। इसीलिए SSCJEE का जरूर दीजिएगा एग्ज़ाम, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट। थैंक यू।